आज का मैच तो उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह का एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और जितना मैच हुआ वो भी काफी हद तक भारत के फेवर में दिखाई दे रहा है। कल के लिए क्या लगता है कि क्या कंडीशंस होंगी, और जो भी कंडीशंस इस वक्त हैं, जो स्कोर इस वक्त मौजूद है, उसमें भारत को जो सपोर्ट हासिल है, किस तरह से उसको ओवरकम किया जा सकता है पाकिस्तान की जानिब से? आपने कंडीशंस की बात की, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी। आपने कंडीशन की बात की, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे 90% चांस है कि बारिश होगी, वो कह रहे हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं कि मौसम बदल जाता है। अब ये कहना सिर्फ एक बात है कि जय शाह जो है वो जीत गए, क्रिकेट हार गई। जिस तरीके से ये समझ जाए, ये सालों पहले प्लान होता है जनाब, पहले से ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जब उनसे पूछा जाता है कि ये इन डेट्स पे जनाब ये वर्ल्ड कप हो रहा है या बायलैटरल सीरीज हो रही है या एशिया कप हो रहा है, उस वक्त उनको यकीनन बताया गया होगा कि इन दिनों के अंदर बारिश के इम्कान है। इसके बावजूद उन्होंने श्रीलंका में रखा। देखिए, इसका यूएई में बड़े आसान से हो सकता था। उनकी हठधर्मी ये है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी और दूसरे सर्कल से भी इत्तलात के मुताबिक ये कहा कि जनाब मैच को आप हम्बनटोटा में लेके जाए। लेकिन उसके बाद उनकी जिद आ रही आई, सिर्फ जिद और सिर्फ अना की वजह से उन्होंने किया, उन्होंने क्रिकेट को स्पॉइल किया। इस वजह क्या हो सकती है पसे बर्दा, आपको क्या लगता है कि वजूहात क्या हो सकती है इसकी? आप ये देखिए, आप वजूहात क्या, जय शाह साहब जो है इनको तो मेरे अपना जाती ख्याल है कि पता नहीं कि इनको किसने उनको इलेक्ट किया है कि वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं जनाब, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, दूसरी जनाब बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, दो बड़ी बड़ी वाइटल पोस्टिंग लेके रखे हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जनाब पाकिस्तान को आइसोलेट करना, पाकिस्तान को कहीं जीतना नहीं देना, अपनी हेजमनी दिखाना, अपनी मोनोपोली दिखाना, और अपनी मोनोपोली की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत, भारत अब बहुत बड़ा स्टेक होल्डर बन गया है। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से, किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बाहर किया जाए, भारत के अब लेकिन सवाल इकबाल साहब, सवाल तो ये भी पैदा हो रहा है ना कि अगर ये मैच नहीं हो पाता है तो भी पाकिस्तान बाहर तो नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान तो डायरेक्ट फाइनल में जा रहा है, ये तो पाकिस्तान के फेवर में आ रही है चीज, उसके बावजूद ये फिर एक बचगाना सी हरकत कही जा सकती है इसको? तो फिर देखिए, इसमें बचकाना हरकत आप इसे कह लें, बिल्कुल बचकाना हरकत है। पाकिस्तान जा रहा है, मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मैं यही कह सकता हूं, पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर फोर में हराया, एक एक मिले। लेकिन आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ है। कोलंबो जैसे शहर में, कोलंबो जैसे शहर के अंदर आज स्टेडियम खाली था, उसकी वजह क्या थी कि लोगों को कंडीशंस का पता था, लोगों को पता होगा कि जनाब इसका नाम क्या, बारिश के इम्कान थे, क्यों हम वक्त जाया करें। श्रीलंका वैसे ही डिफॉल्ट हो गया था, वहां लोगों की परचेजिंग जो पावर है वो बहुत कम हो गई है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं। उसमें अना की क्या बात थी, अगर फर्ज कीजिए तो ये कहते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर था, ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि हमें सामान को मूव करने के लिए अंदर ही होगा। आप ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए कर रहे हैं या आप सिर्फ फैंस के लिए कर रहे हैं या क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये जो टूर्नामेंट है ये एक धब्बा है, ये धब्बा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर और ये उसमें उसके पीछे बीसीसीआई के ऊपर। आई एम वेरी सॉरी टू से, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है लोगों को अक्रॉस पाकिस्तान, भारत में भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा जो आम फैंस है, जो क्रिकेट की फैंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल्स। तो जनाब ये सब चीजें सोच के करनी चाहिए थी। अब देखिए कल क्या होता है, कल पे लोगों ने फिर उम्मीदें लगा ली हैं, लेकिन वेदर अगर चेंज होता है, अगर मैच पूरा होता है तो ठीक है, दैट विल बी अ गुड ओमन। लेकिन इट्स अ वेरी वेरी, ये एक धब्बा लग गया है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर ये एक धब्बा है जनाब। बिल्कुल मायूसी तो है, डिसअपॉइंटमेंट तो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।